जय सियाराम। सनातन रहस्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप घर पर किस तरह से शिवरात्रि का पूजन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए जानते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण विविध उपाय करते हैं, लेकिन हर उपाय साधारण जनमानस के लिए सरल नहीं होते। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पर ही महाशिवरात्रि पूजन की अत्यंत आसान विधि किस तरह से हो सकती है। यह पूजन विधि जितनी आसान है उतनी ही फलदायी भी। भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव के देवता माने गए हैं, अतः उन्हें सरलतम तरीकों से ही प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें, यज्ञोपवीत धारण कर शरीर शुद्ध करें, तत्पश्चात आसन की शुद्धि करें, पूजन सामग्री को यथास्थान रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित कर लें। अब स्वस्ति पाठ करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति न अस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पति दर्घातु। इसके बाद पूजन का संकल्प कर भगवान गणेश एवं गौरी माता पार्वती का स्मरण कर पूजन करना चाहिए। यदि आप रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं, तब नवग्रह, कलश, षोडश मात्रका का भी पूजन करना चाहिए। संकल्प करते हुए भगवान गणेश व माता पार्वती का पूजन करें, फिर नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय एवं सर्प का संक्षिप्त पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात हाथ में बिल्व पत्र एवं अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान कराएं, फिर सुगंध स्नान कराएं, फिर शुद्ध स्नान कराएं। अब भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं, वस्त्र के बाद जनेऊ चढ़ाएं, फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला, बिल्व पत्र चढ़ाएं। अब भगवान शिव को विविध प्रकार के फल चढ़ाएं। इसके पश्चात धूप दीप जलाएं, हाथ धोकर भोलेनाथ को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य के बाद फल, पान, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। इसके बाद क्षमा याचना करें। इस प्रकार संक्षिप्त पूजन करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। घर में पूरी श्रद्धा के साथ साधारण पूजन भी किया जाए तो भगवान से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।